अरे वाह, पानी कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं आरू, अच्छा एक बात बताओ, अपन ना एक और नया चैनल बनाएंगे अपना, ठीक है? और उस पर दोबारा से शुरुआत करेंगे, ठीक है? ठीक है। आपकी मेहनत और मम्मा की मेहनत, ठीक है? ये बताओ ठीक है या नहीं है? ठीक है। मम्मा सही कर रही है ना? हाँ। हमने दारोट भी छोड़ दिया। दारोट बंद कर रही थी ना? नहीं, वंशु को देना है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम दोबारा से नई शुरुआत करेंगे, अपन नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब कोई हमको हेट नहीं करना, नहीं करना अब। हाँ, क्योंकि हमने सब छोड़ दिया, हमने क्या छोड़ दिया, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत, नई शुरुआत बोलो, अच्छे से करेंगे हम, अच्छे से करेंगे। आरू, मम्मा एक अपना एक साड़ी का छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट भी करेंगी। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। साड़ी, उसमें कपड़े अपने घर पे ही, है ना? ठीक है। ओके, ओके, बाय बाय। बाय। मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ, कहीं ना कहीं वो आप लोगों को गलत लगती होगी, मुझे गलत नहीं लगती, क्योंकि जब अकेले रहते हैं ना, सिंगल रहते हैं, आज हस्बैंड नहीं है, जो भी चीज़ें नहीं है, ख़राब हुई, फेस करनी हो, तो ओवर थिंकिंग करना ज़रूरी रहता है। एक रहता है कि मुझे मतलब नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मैं कुछ भी करूँ, तो मेरी आदत वो नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे, कुछ भी सोचे, उल्टा सीधा सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़े। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ जीनी नहीं है कि मुझे कोई कुछ भी बोले और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरी दो लड़कियां हैं मेरे पास। अगर मैं ऐसी लाइफ जीऊँगी जब मुझे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, तो मैं क्या, मतलब कहते हैं ना कि मैं अपनी बेटियों को क्या सिखाऊंगी कि इज्जत को लेके आगे बढ़ना है, और लाइफ को मतलब अकेले मैंने कैसे फेस किया है, तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहती। दारोट की बात करते हैं, सब कहते हैं दारोट लेके बैठी हो, ये हो वो हो, और उनका ले रखा है, वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है उनका। दारोट की बात है, दारोट भी मैं अंशु को दे दूंगी। एक तो मैंने दे दिया था चैनल उसको, ये वाला भी मैं उसको दे देती हूँ। स्नैपी गर्ल मेरा खुद का वजूद है, मैंने खुद ने मेहनत की है हर एक चीज़ में, स्नैपी गर्ल में, स्नैपी गर्ल शॉर्ट में, उसमें किसी की कोई मेहनत नहीं है। और रही बात की सूरज जी की वजह से, राजवीर जी की वजह से, उनके घर की वजह से मेरी पहचान हुई है, या फिर हर चीज़ उनकी वजह से हुई है, तो ऐसा नहीं है। मेहनत सबकी होती है, या मेरा कुछ वजूद ही नहीं है ना मेरा। अब पता है, इतने सारे कमेंट करते हो, मेरा कोई हक भी नहीं है वहाँ पे, बूढ़े माँ बाप हैं बेचारे, मैंने उनको बदनाम कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैं बुरी हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं अशुभ हूँ, मैं डायन हूँ, और भी इतने बड़े बड़े शब्द हैं मेरे लिए, और मैं बहुत बुरी हूँ, मैं डायन हूँ, मैं सब, और क्या कहते हैं, सबको खा गई, पूरे घर को निगल गई, और मनहूस कहीं की, तो मैं बहुत बुरी हूँ। रही बात दारोट की, वो भी मैं अंशु को दे दूँगी। स्नैपी गर्ल है भाई, इतना तो रखूँगी, दो बच्चियाँ हैं, रोड पे भीख मांग के थोड़ी उनको खिलाऊँगी, और यूट्यूब से कमा रही हूँ, तो भाई मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तभी तो। और उसके अलावा भी मैं और भी अपना काम कर लूँगी, मैं दारोट भी छोड़ दूँगी, मैं इतना सब कुछ फेस कर रही हूँ, बस हेट मत दो मुझे, मुझे हेट नहीं चाहिए, दारोट भी ले लो पर हेट मत दो, क्योंकि हेट के साथ मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगी। वो कहते हैं आए दिन का रोना 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 मकाना, तुमसे ज़्यादा भी दुख है उन लड़कियों के पास में, मैं इस चीज़ को मैं खुद बोलती हूँ, ज़्यादा दुख है बस सोशल मीडिया नहीं उनके पास में, ठीक है, वो चीज़ भी छोड़ी, ठीक है। दारोट भी दिया, स्नैपी गर्ल मेरा है, सिर्फ एक चीज़ मेरी है स्नैपी गर्ल, उस पर मैं अपने ब्लॉगिंग डालूंगी, एक पे अपनी फैशन वीडियो डालूंगी, जो भी वो भी मैंने खुद का है मेरा। दारोट शॉर्ट दे दिया, जिसने अंशु ने नाम चेंज कर लिया, अंशु बिंग कर लिया है, और दारोट भी मैं अंशु को दे रही हूँ, जो मेरे ब्लॉग हैं वो मैं प्राइवेट कर दूंगी, वो भी उसको दे दूंगी मैं। अब वो क्या करती क्या नहीं करती, वो दोनों उनके पास चले जाएंगे, वो मम्मी पापा जी को दे दे, किसी को भी दे दे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे हेट मत दो। मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा, व्लॉग है आज ही उनको प्राइवेट कर दूंगी मैं। दारोट पे भी मेरा हक नहीं है,
आप लोग बोलो ना वो सूरज जी का है, वो भी उनका बेटे थे जो भी थी सारी चीजें, और मैं उसको भी दे रही हूँ। नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, अपनी बेटियों के साथ खुश रहना चाहती हूँ। देखो एक बोलना और रहना जो करते हैं ना बहुत कठिन होता है, आप लोगों को शब्द लगते होंगे कि कुछ भी बोल देती है जो भी चीज़ें हैं, और यूट्यूब से कमा रही है कमा रही है। भाई कितना कमा रही हूँ मैं, धरोहर से चिढ़ है, हर चीज़ से चिढ़ हो रही है आप लोगों को। तो दो बच्चियाँ नहीं दिख रही क्या मेरी, वो बूढ़े माँ बाप है ठीक है मान लिया, उनको ज़रूरत है सारी चीज़ों की ज़रूरत है, चैनल भी दे दिए दोनों। मेरी बच्ची हैं उनका कुछ नहीं दिख रहा आपको, वो तो इतनी छोटी हैं उनका फ्यूचर नहीं है कुछ। कोई नहीं, बस मुझे हेट मत दो, मैं पागल हो जाऊंगी। ये एक चैनल चल रहा है फिर वही भीख मांगते, वो जो देखना चाहते हैं ना कि बच्चों के पेट भरने के लिए भी किसी पे पैसे नहीं होते, ऐसे भी लोग हैं, दुख हो रहा है। और मुझे पता है लोगों की आदत रहती है कि प्रोवोक करना, मेरे को गुस्सा आ जाती है क्योंकि लोग ऐसी बातें करेंगे ऐसे कमेंट करेंगे, उनको पता ही है कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी। तो ठीक है आप लोगों ने किया और मैंने कर दिया क्योंकि मैं पागल हूँ, पागल ही कोशिश कर दी एक तरीके से, मैं पागल हूँ हर चीज़ की कहते हो ऐसा कर देती हूँ। कही थी कि कुछ भी मत लेना उनसे, उन्हीं को दे दो, सब कुछ दे दिया, मांगा तक नहीं, ना मांगूंगी आज तक। तरोट की बोल रहे, तरोट भी दे दिया। स्नैपडील तक मत आना, वो मेरा है, मेरी मेहनत है और मेरी बच्चियाँ भी हैं मेरे साथ में। उसके अलावा मैं और कोई अपना काम कर लूँगी और सब कुछ अच्छा कर लूँगी, और मुझे पॉजिटिव रहने दो, ना मैं उन लोगों की कोई बात करूँगी ना कुछ करूँगी। इतनी हेट थी, तरोट भी दे दिया, अब मत देना भाई प्लीज़।